हम स्वात मोटरवे से पिशावर की तरफ जा रहे हैं और ये एक टनल आई है। ऊपर पाकिस्तान आर्मी का झंडा, पाकिस्तान का झंडा और FFUO का झंडा बना हुआ है और ये जनाब हम इसमें एंटर होने लगे हैं। ये बड़ी अच्छी बनी टनल है, इतनी बड़ी तो नहीं है, यह तो काफ़ी लंबी है, बट जो हम लवारी टनल और उसके साथ दूसरी टनल देख के आए हैं उस हिसाब से ये इतनी बड़ी नहीं है। हार्डली 1.5 या 2 किलोमीटर की ये टनल है। ये टनल ज़्यादा रोशन है और ये बिल्कुल सीधी टनल है, कोई अप डाउन नहीं है, जिग जैग नहीं है। होटल जिसमें भी बने हुए हैं, ये वन वे टनल है। जो टनल की जो आने वाला रास्ता है वो साथ ही दूसरी टनल है और हमें आगे एक और टनल भी नज़र आ रही है। देखते हैं जी, ये जी बिल्कुल ये एक और टनल है। दिस इज स्वात मोटरवे टनल 1 और जो आगे हम आने वाले हैं वो स्वात मोटरवे टनल नंबर 2 है, मगर वो छोटी सी है। ये देखिए, अच्छा जी उससे आगे भी है, ये कोर टनल भी है उससे आगे, तो इसका मतलब ये टनल कम्प्लेक्स है पूरा। ये टनल कम्प्लेक्स है जी, कमाल महारत है FWO की, इंजीनियर्स की। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एक पाकिस्तान आर्मी का ज़ेली इदारा है। ये देखिए जी, रॉक शेल्टर है। अच्छा जी, ये वो रॉक शेल्टर है जो उधर नहीं, हम रास्ते में कहते हैं क्या बना रहे हैं वो पीछे, वो रॉक शेल्टर बन रहा था उधर भी। अब अभी हम टनल नंबर 3 यानी कि तीसरी टनल में जा रहे हैं। ये बेसिकली स्वात मोटरवे है और ये रास्ता जो है, अगर हम यहाँ से उल्टा जाना स्टार्ट करते हैं, जैसे वो ये जो दूसरी साइड है जिस तरह ये अभी गाड़ियाँ पर नजर आएगी, तो ये गाड़ियाँ स्वात जा रही हैं। तो ये जो है जी, ये हम पिंडी की तरफ या पिशावर की तरफ रवान दवा हैं। ये देखिए जी, ये टनल जो है जनाब, ये ज़िगज़ैग टनल है और हार्डली 800 मीटर लंबी होगी, 800 भी नहीं, मतलब अराउंड 500 मीटर। ये जनाब हम टनल कम्प्लेक्स से निकल आए।